कुछ बनने की राह में जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया था तो मैं भी आपके जैसा ही था, आईटी यही तो क्वालिफाई नहीं हुआ। और फिर मैंने डिसाइड किया कि टेक्निकल से जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है वो क्या मिलती है, ESC। बहुत सारी चीज़ें आपको आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बेकार हो। मैं भी आपकी तरह एकदम नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। हेलो बच्चों, सो होपफुली गेट 2022 की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप टॉपर्स की सक्सेस स्टोरी बहुत सुनते हो और उनसे इंस्पायर भी होते हो और उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूज़ करते हो अपनी तैयारी के लिए। लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि फेल्योर्स आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग देते हैं कंपेयर टू सक्सेस स्टोरीज। तो आज मैं आपको अपने दो बड़े फेल्योर्स बताने वाला हूँ अपनी लाइफ के, जिसने मुझे एकदम इंटायरली चेंज कर दिया और मैं आज आपके सामने बैठ के जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसी वजह से बना रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हो। तो इस वीडियो को थोड़ा यार पूरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं थोड़ी सी अपनी कहानियाँ बताऊँगा क्योंकि, और वो आपको ज़रूर इंस्पायर करेंगी क्योंकि मैं भी आप जैसा ही था जब मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, कुछ बनने की राह में जब मैं आगे बढ़ना शुरू किया था तो मैं भी आपके जैसा ही था। तो जो सबसे बड़ी पहली फेल्योर मेरी रही थी वो कहाँ से रही थी, मैं पहले बता दूं कि मैं पहले से पांचवीं तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ और छठवीं से बारहवीं तक सरकारी स्कूल था जो मेरे गांव या छोटी सी मार्केट का वहाँ पे था, वहाँ से पढ़ा हूँ। तो ट्वेल्थ तक मैं ये भी नहीं जानता था कि IIT JEE क्या होता है, AIEEE क्या होता है, UPTU क्या होता है। और इंजीनियरिंग अगर आपको करने जानी तो कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता, उसकी रैंक के बेसिस पर आपको कॉलेज मिलते, मुझे कुछ नहीं पता था। तो एज यूजल ट्वेल्थ करने के बाद मैं BSc करने शहर पहुँच गया और BSc फर्स्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जो नए दोस्त बने उनसे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है, इंजीनियरिंग ऐसे ऐसे की जाती है, ऐसे ऐसे आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है एंट्रेंस। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका BSc फर्स्ट ईयर में पूरा सब कुछ इंग्लिश में होता है, और जबकि ट्वेल्थ तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था तो पहला साल तो उसी स्ट्रगल में निकल जाता है आपका, क्योंकि इंग्लिश को भी एक तरह से सीखना पड़ता है टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैं तो उसमें फर्स्ट ईयर में उसी में स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं उसी पर प्राइमरली फोकस किया और फर्स्ट ईयर में जितना भी अच्छा मैं कर सकता था उतना अच्छा किया। सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपना पैरेलली थोड़ा बहुत तैयारी करूंगा इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मैथ्स और साइंस मेरी अच्छी थी तो उसमें मुझे अच्छा लगता था हमेशा पढ़ना मैथ्स और साइंस। तो मैं था कि मैं भी तैयारी करूंगा इंजीनियरिंग के लिए, देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पैरेलली अपना थोड़ा बहुत तैयारी शुरू किया और फिर मैं सेकेंड ईयर के एंड में BSc सेकेंड ईयर के एंड में मैं AIEEE, UPTU और IIT JEE के एग्जाम में अपियर हुआ। IIT JEE तो क्वालिफाई नहीं हुआ, AIEEE में मेरी रैंक आई 58,000 और के आसपास, और जो UPTU में रैंक आई थी वो 23,000 के आसपास। तो यार ये पहली फेल्योर थी, मतलब मुझे लगा यार क्या, मैं जबकि BSc फर्स्ट ईयर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अपने कॉलेज में, तब मैं बता रहा हूँ, मुझे लगा यार ये क्या है, मतलब मैं तो कुछ भी, मतलब कोई रैंक ही नहीं है, मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता, कोई कॉलेज तक नहीं मिल सकता, मिलेगा तो पता नहीं कौन सा कॉलेज, एकदम बेकार सा कॉलेज शायद मिलेगा, कुछ नहीं मिल सकता। ये मेरे लिए एकदम फेल्योर था। मेरे जो दोस्त भी थे जो थोड़ा बहुत तैयारी करके आए थे उनको आइडिया था कि यार इसमें तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगा यार मैं मतलब टेक्निकल में तो अच्छा हूँ यार, फिर भी मैं इस एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाया। सो फिर मैं एक दिन बैठा तो मुझे बहुत धक्का सा लगा था, मुझे लगा था मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं ये सोचा था। तो फिर मैंने देखा कि यार जितना मैं अटेम्प्ट करके आया था, जितना करके आया था उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं अटेम्प्ट ही बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था, क्योंकि जो उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिन टॉपिक्स को पढ़ना था वो शायद सारे में पढ़ा नहीं था, उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, खुद से जितना किया था वही जानता था मैं केवल। तो मुझे था कि बहुत कुछ मुझे आता ही नहीं जो उस एग्जाम के लिए ज़रूरत है, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया। तो सेकेंड ईयर के एंड में मैंने एक बार अपने पापा से रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे भी IIT JEE की तैयारी करनी है, मैं BSc थर्ड ईयर का भी एग्जाम दूंगा अपना, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, लेकिन इन बिटवीन क्योंकि BSc में कॉलेज वॉलेज जाना नहीं पड़ता है तो मैं तैयारी भी करूंगा, मुझे एक साल तैयारी भेजिए। उस समय बता दूं हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो पापा ने कहा चलो मैं एक साल के लिए किसी तरह तुम्हें भेजता हूं, अपना बेस्ट एफर्ट दो, कोई सरकारी कॉलेज अगर इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा तभी तुम इंजीनियरिंग करने जाओगे और अपना BSc थर्ड ईयर का भी एग्जाम तुम दोगे, ताकि तुम्हारा BSc कंप्लीट हो जाए, इंजीनियरिंग में नहीं होता है तो तुम BSc के आगे जो भी करना होगा करोगे। मैंने कहा ठीक है चलो। तो मेरे पास एक साल था अपने को प्रूफ करने के लिए, तो उस एक साल में वो जो मेरी फेल्योर्स मुझे मिली थी ना, वो मुझे कह रही थी कि तुम एक साल तुम्हें इस मिल गया है किसी वजह से, अपना बेस्ट एफर्ट लगा दो,
वो एक साल मैं अभी भी काउंट करता हूँ मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन एक साल थे, जिसमें मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया था, जो भी मेरे अंदर था सब कुछ निचोड़ दिया था कि मुझे प्रूफ करना है कि मुझे भी टेक्निकल आता है, मतलब बेस्ट एफर्ट। और एक साल थे कि कोई सरकारी कॉलेज मिलेगा तभी शायद इंजीनियरिंग कर पाऊंगा, एकदम बेस्ट एफर्ट लगा दिया था। और लकली AI AAA में सिलेक्शन हो गया, UPTU में हो गया, ITJEE में फिर भी नहीं हुआ, और उसके थ्रू NIT इलाहाबाद में पहुंच गया। और NIT इलाहाबाद पहुंचने के बाद मेरी लाइफ इंटायरली चेंज हो गई। मैं जहां भी आज आपके सामने खड़ा हूँ, NIT इलाहाबाद का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वहां पे मेरी पर्सनालिटी में जो चेंज आया वहीं पे चेंज आया, बहुत कुछ सीखा है मैंने। NIT इलाहाबाद ने मुझे इंटायरली चेंज कर दिया है ना। सो उस फेलियर से मैं इंस्पायर होकर NIT इलाहाबाद तक पहुंचा, और जिसने मेरी लाइफ बदल दी है ना। और फिर दूसरी बड़ी जो फेलियर थी वो NIT इलाहाबाद में पहुंचने के बाद मुझे मिली थी, वो क्या है, चूंकि मैं इतना हार्डशिप करके आया था NIT इलाहाबाद, तो मैं था कि यार मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ, मुझे बहुत अच्छे से करना, इतने आसानी से चीज़ें नहीं होती, मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। तो मैं वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई करता था और पॉइंटर मेरे बहुत अच्छे मेंटेन थे। मेरी CGPA फाइनल ईयर में जब मैं पहुंचा था तो 9.32 था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट था, टॉप 10 स्टूडेंट में मैं था क्लास के अपने। तो उस समय सीनियर बोलते थे, PSU हमारे यहाँ आती थी NIT इलाहाबाद में, कि इजिली तेरा प्लेसमेंट हो जाएगा किसी PSU में, वो टॉपर्स को उठा के ले जाती हैं, टेक्निकल जिनका अच्छा होता है उनको उठा के ले जाती हैं। मैं बैठा NTPC के इंटरव्यू में, क्योंकि अलाउड में सब में था बैठने के लिए, मेरा CGPA बहुत अच्छा था। NTPC के इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हुआ, भेल के इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हुआ, गेल के इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट हुआ, और बाद में लास्ट में एक DRDO आई थी उसका रिजल्ट ही नहीं आया, तो उसमें भी फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। चार चार कंपनीज ने एक तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और जबकि मैं मानता था कि टेक्निकल मुझे आता था और मैंने सीखा भी था, मैंने मेहनत की थी, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस था मुझे टेक्निकल आता है। तो एकदम से वो हो गया कि यार ये क्या है। वो सीनियर से बात करी, सर मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं कहाँ पे हूँ, मतलब ये तो मतलब मैं एक सिलेक्शन तक नहीं ले पाया यार, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एकदम से हिल गया था। फिर यार बैठ के सोचा बहुत अच्छे से, फिर डिसाइड किया कि सीनियर से पूछा और खुद भी पता किया तो कि टेक्निकल में जो बेस्ट एग्जाम है वो गेट एग्जाम है। मैंने कहा मैं इसमें फोड़ के दिखाऊंगा, अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि नहीं, मैं टेक्निकल में बहुत कुछ मुझे आता है, मैं हूँ टेक्निकल में फोड़ू, मैं प्रूफ करूंगा इस चीज को। और फिर मैंने डिसाइड किया कि टेक्निकल से जो बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है वो क्या मिलती है, ESC इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, जिसमें क्लास वन ऑफिसर बनते, मैं उसमें फोड़ के दिखाऊंगा, अपने आप को मुझे प्रूफ करना है, इस पे बात आ गई है। तो फिर इन दोनों एग्जाम की तब मैंने तैयारी करने के लिए सोचा था, और उसमें जो भी अपना बेस्ट एफर्ट हो सकता था, क्योंकि अब मुझे प्रूफ करना था, मैं फेल हुआ था, मुझे प्रूफ करना था अपने आप को, मैंने सब कुछ झोंक दिया था। और रिजल्ट आपके सामने, मैं गेट में भी अंडर 10 रैंक लाया था और ESC में 21 रैंक फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया था। तो उन फेल्योर्स को मैंने सोचा था, फिर देखा था कि क्या क्या उनसे गलतियां हुई, क्यों मैं नहीं हो पाया, और उन चीजों ने मुझे इंस्पायर किया कि मेरे अंदर जो एबिलिटी है, मैंने उन एबिलिटीज को भी अपने रियलाइज किया कि मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटी है, मैं क्या क्या कर सकता हूं, तो मैं अब वो करके दिखाऊंगा, एक जिद ठान ली थी। तो उन फेल्योर्स की वजह से शायद मैं ESC एग्जाम की तरफ गया, शायद मैं अगर सेलेक्ट हो गया होता PSU में तो शायद मैं PSU में आज जॉब कर रहा होता, आपके सामने बैठा भी नहीं होता, मैं शायद टीचर भी नहीं बन पाता, मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है। उन फेल्योर्स ने मुझे यहां तक पहुंचाया, क्योंकि वो फेल्योर सुनी तो मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो और अच्छा पोटेंशियल है इससे भी अच्छा करने को। और इसलिए जब मैंने तैयारी की थी ना गेट और ESC की, मैं किसी PSU एग्जाम को नहीं भरा था, वो चाहे आपका NTPC हो, इनके तब इंडिविजुअल एग्जाम होते थे हमारे टाइम में, भेल, और मैं किसी का नहीं भरा था, मैं केवल ISRO का पेपर भरा था, बार का, जो मुझे गेट के डायरेक्टली कॉल आई थी, और गेट और ESC का, कि अब मुझे PSU तो जाना ही नहीं है, मैं उससे भी अच्छी जगह जाके दिखाऊंगा। तो मैंने उसको एक इंस्पिरेशन की तरह लिया था, मुझे कुछ करना है यार, एनी हाउ कुछ करना है। तो आप भी जब अभी अपने सक्सेस है, अपने टारगेट की तरफ भाग रहे होगे ना, उसकी तरफ मेहनत कर रहे होगे ना, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे फेलियर्स मिलेंगे, उन फेलियर से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, उन फेलियर से लर्निंग्स लेनी है कि वो हुई क्यों, उनकी गलतियों से कुछ सीखना है, और जो अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनको उसी टाइम रियलाइज करना है कि नहीं, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी है, बहुत सारी चीजें आपको आती भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बेकार हो, और उन चीजों को लेके कैरी फॉरवर्ड होना है अपने सक्सेस के डायरेक्शन में, तब जाके सक्सेस मिलती है। मैं भी आपकी तरह एकदम नॉर्मल और एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, और एक बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के जहां तक भी पहुंचा हूं, थोड़ा बहुत जो सक्सेस मिली है यहां तक पहुंच पाया हूं, क्योंकि ये जो फेलियर्स मिलती रहे मैं उनको डील करता रहा, जो भी मौके मिले मैंने उसमें 100% एफर्ट लगाया,
तो आप अपनी फेलोर से घबराना मत, आपको डगमगाना नहीं, आप नॉर्मल एवरेज हो, लेकिन एक दिन सक्सेस का दरवाजा आप भी खड़खड़ाओगे। फेलोर्स मिलने पे अगर पीछे अपना पैर खींच लिया, अपना रास्ता एकदम से बदल दिया, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा ये सोच लिया, फिर तो सक्सेस नहीं मिलनी है। तो जितने सक्सेसफुल लोग हुए यार आज की डेट में उठा के देख लो, सबने बहुत सारी फेलियर्स का सामना किया है, लेकिन उनको उसके बावजूद वो आगे बढ़ते रहे, और जिस दिन वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, तो उस दिन आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुनने लगे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। तो जिस दिन तुम भी सक्सेसफुल होगे ना, वही फेलियर्स तुम्हें लगेंगे यार क्या बेहतरीन चीज थी, उनसे मैं इंस्पायर होकर आगे बढ़ा, मैंने उन फेलियर्स को भी ओवरकम किया। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, है ना। सबने ये किया हुआ है, जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो, और आपके बारे में लोग बातें भी ऐसे करेंगे, यार ये तो इन एग्जाम में सफल नहीं हो पाया था, देखो अब इसने तो फोड़ दिया, तब ऐसी बातें होती हैं और वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। और आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आपके अंदर ये एनर्जी है, आप बिल्कुल कर सकते हो, बस घबराना नहीं है फेलियर से, उसको एक एट्रीब्यूट की तरह यूज करना, उसको एक सीढ़ी की तरह यूज करना और आगे बढ़ते रहना है, और आप बिल्कुल कर सकते हो। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।